तो हेलो दोस्तों, आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लॉक टावर पे उतरता हूँ एंड गाइस यहाँ पे क्या होता है भाई, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। भाई यहाँ पे पहले मैं इस लड़की को डाउन कर देता हूँ एंड गाइस ये लड़की ना ग्रैंड मास्टर पे है एंड गाइस यहाँ पे इसके जो स्क्वाड है ना टीममेट है भाई सब सीजन 1 एंड क्रिमिनल एंड सीजन 2 के बंदे हैं। भाई मैं इन बंदों को देख के ना मतलब मैं खुद हैरान हो गया था भाई, ये बंदे कितने तगड़े बंदे थे। तो गाइस यहाँ पे मैं इनको जल्दी जल्दी से मतलब बहुत अलग अलग प्रकार से डैमेज देता जा रहा था और गाइस यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन को भी चेंज करता जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे भाई इन बंदों को मैंने बहुत गंदा डैमेज किया था एंड गाइस नीचे मैं एक माइन लगा के आ जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पे नीचे एक बंदा डाउन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने माइन का बहुत अच्छा यूज़ किया एंड गाइस यहाँ पे मैं जैसे अंदर आता हूँ तो गाइस ना उसको रिवाइव दे देते हैं दोबारा से। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ एंड गाइस उसको ना एक और शॉट देता हूँ एंड गाइस वो भी हो जाता है दोबारा से डाउन। और गाइस यहाँ पे भाई मेरे को बहुत गंदे वाला डैमेज पड़ता है एंड गाइस इस लड़की को मैं देता हूँ बिल्कुल खतरनाक वाला हेडशॉट एंड गाइस ये लड़की डाउन हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे ना वो बंदा क्रोनो का यूज़ कर लेता है एंड गाइस मेरे को कर देता है डाउन। और गाइस यहाँ पे सबसे बहुत बुरा काम मेरे साथ ये करने वाला था, मतलब इतना बुरा काम ये मेरे साथ करने वाला था, ये मेरे को दिखाने वाला था इमोट। देखो गाइस इसने मेरे को इमोट दिखाया और गाइस फिर सभी के सभी ने मेरे को इमोट दिखाया। गाइस यहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो गाइस अब मेरे को बदला लेना था किसी भी कीमत पे। तो गाइस अब मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था कि भी अब बदला लेना है। और गाइस इन नूबड़ों को मैंने कैसे नॉक किया था आप लोगों ने देखा, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड में मैंने 2 बंदों को डाउन किया था। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट मेरे को दोबारा से रिवाइव दे देते हैं एंड गाइस यहाँ पे पीक पे आके मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे ना पीक पे भी मेरे टीममेट को एक बंदा मार देता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आता हूँ तो गाइस वहाँ पे ना थोड़ा नूबड़ा स्क्वाड था एंड गाइस यहाँ पे मैं इनको कर देता हूँ मतलब ओपी वाला हेडशॉट देख के डाउन एंड गाइस दोनों बंदों को मैं बिल्कुल खत्म ही कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, मैं जैसे इनकी लूट वगैरह करके आगे की तरफ बढ़ने वाला था तो गाइस मेरा पूरा मोटिव था कि भाई उन बंदों को मारना है, उनसे बदला लेना है। और गाइस आप लोग ये देखना कि मैं उनसे बदला ले पाता हूँ कि नहीं। गाइस अगर मैं उनसे बदला ले पाया ना तो गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला सीन होने वाला था भाई, मैं भी खुद हैरान होने वाला था भाई जो सीन मैं करने वाला था उनके साथ। तो गाइस वहाँ से लूट वगैरह करके गाइस मेरे को बीच में कोई भी बंदा नहीं मिलता देखने को। तो गाइस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हंगर पे। तो गाइस यहाँ पे लूट वगैरह करके मैं हंगर की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि गाइस मुझे लग रहा था कि भाई वो बंदे ना इधर की तरफ ही आएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ बिल्कुल ओपी वाले तरीके से। तो गाइस यहाँ पे बंदे को मैं जैसे डाउन कर देता हूँ तो गाइस यहाँ पे मेरा टीममेट भी डाउन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक जल्दी से वो लगाता हूं एंड गाइस मुझे अब लग रहा था कि भाई वो बंदे ना मतलब यही बंदे हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ घुस जाता है एंड गाइस यहाँ पे बिल्कुल ओपी वाला मतलब डैमेज देता है। और गाइस यहाँ पे मैं भी मतलब फंस गया था, मतलब उलझ गया था मैं भी, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैं निकल जाता हूँ एंड मेरा टीममेट मेरी हेल्प कर देता है। तो गाइस उस बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे को ऐसा शक हो रहा था कि भाई इधर कोई बंदा है। तो गाइस यहाँ पे मैं कंटेनर्स के ऊपर से जंप कर करके चेक कर रहा था कि भाई कोई ना बंदा तो होगा। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ना भाई बहुत गंदी तरह से बंदों को मार रहे थे। और गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, तो गाइस मैं आज 9% बैटरी में खेल रहा था, 9% बैटरी में। तो गाइस इसकी वजह से ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, मतलब बीच में एकदम से लैग ही होता जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ एंड गाइस यहाँ पे मेरे को एक और बंदा देखने को मिलता है। तो गाइस उसको भी मैं बिल्कुल ओपी वाला डैमेज देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे उसको डैमेज देते ही ना मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ ताकि भाई उस बंदे को पूरा का पूरा नॉक कर दूँ। तो गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ से मेरे को और गोलियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से आगे की तरफ आता हूँ एंड गाइस मैं क्या देखता हूँ, इधर पे वो बंदा नॉक हो चुका है जिस बंदे को मैं नॉक करने वाला था। तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट बहुत ओपी वाला मतलब मेरा हाथ बटा रहे थे। और गाइस यहाँ पे ये मैच मेरे को बुइया लेना था किसी भी कीमत पे उन बंदों को मार कर, क्योंकि गाइस यहाँ पे बात थी इमोट की। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं भी सोचता हूँ कि चलो यार थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड गाइस उन बंदों को जल्दी से मार कर आते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई उन बंदों का मेरे को कहीं पे भी नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब मैं कहीं पे भी कंफर्म नहीं था कि भाई वो बंदे मेरे को अच्छे से दिख रहे थे क्योंकि गाइस कहीं पे मेरे को अच्छे से नहीं दिखे। तो गाइस इधर पे मैं क्या करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ एंड गाइस मेरा टीममेट को ना मतलब बंदे बचा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक वाला सीन होता है, मतलब यहाँ पे मैं एक लड़की को देखता हूँ भाई जो कि स्नाइपर से मेरे टीममेट्स को भरे जा रही थी, मतलब भाई हर बार एक ना एक शॉट दे रही थी। तो गाइस मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई वॉल के पीछे खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गाइस उसके पास थी आई थिंक M82 भी। तो गाइस यहाँ पे रश करता हूँ तो गाइस वो लड़की ना इतनी तेजी से निकलती है इधर से, तो गाइस वो दिखती भी नहीं, मतलब शक्तिमान दिखते ही। तो गाइस यहाँ पे मैं आगे की तरफ उसके पीछे बढ़ता हूँ तो गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ तो गाइस उसको देता हूँ यहाँ से ओपी वाला हेडशॉट। तो गाइस वो नॉक हो जाती है एंड गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी से रश करता हूँ। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल गंदे वाला सीन देखना क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैं नेट डालता हूँ एंड गाइस वो बंदे ना यहाँ पे वॉल लगा लेंगे एंड वॉल लगाने के बाद वो बंदे का मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो लड़की दोबारा से कहाँ पे निकल गई।
और गाइस यहां पे मैं उसके टीममेट को तो डाउन कर देता हूं। लेकिन गाइस उसकी बंदी है ना जो है ये ऐसे निकलती है भाई, उस बंदी का मेरे को पता ही नहीं चलता भाई। वो बंदी मतलब बिल्कुल शक्तिमान हो रही थी कतई, तो गाइस टार्जन कार की तरह मतलब एकदम आंखों के आगे से निकल जाती है। तो गाइस यहां पे मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता हूं वो बंदा भी क्लियर हो जाता है जो बंदा भी नॉक हुआ था। और गाइस यहां पे भाई आगे की तरफ वो जो लड़की भागी थी ना उस लड़की को भी भाई मेरा टीममेट मार देता है। एंड गाइस यहां पे जोन भी लग जाता है। एंड गाइस यहां पे भाई अभी जोन बहुत गंदे वाला खा रहा था, मतलब भाई बिल्कुल मतलब मेरी हेल्थ डाउन जाते जा रही थी। और गाइस यहां पे मैं सोचता हूं कि जल्दी से एक मेडिकेट मार लेता हूं एंड आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो गाइस यहां पे मेरे को एक मेडिकेट भी मिल जाती है, तो गाइस इसको उठा के ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो गाइस यहां पे मैं आगे की तरफ आते ही ना यहां पे अपने आप को हील करना समझता हूं जरूरी कि भाई क्योंकि आगे बंदे हो सकते हैं। तो गाइस यहां पे आप लोगों को मेरी वॉइस भी थोड़ी चेंज देखने को मिल रही होगी, क्योंकि गाइस मेरा ना जो माइक था वो चलते चलते बंद हो गया था एंड गाइस वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। तो गाइस फिर मैं मोबाइल के रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो गाइस आप लोगों को वॉइस में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, तो गाइस इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो गाइस मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो गाइस मेरे को पता चल जाता है कि टावर के अंदर बंदा है। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं सोचता हूँ कि भाई जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाइस पीछे से मेरे को पड़ने लग जाती हैं गोलियाँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्रोनो यूज़ कर लेता हूँ बीच में। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से क्रोनो का यूज़ करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि गाइस क्रोनो मूवमेंट में था। एंड गाइस यहाँ पे मैं बहुत जल्दी ही टावर के अंदर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस इस बंदे को मतलब मैं डैमेज देता हूँ, तो गाइस इसको ना मतलब बॉडी डैमेज में तो हम मार नहीं सकते थे जिस हिसाब से मैं गेम प्ले मतलब MP40 थी मेरे पास, तो गाइस उस हिसाब से तो मैं मार नहीं सकता था। तो गाइस यहाँ पे भाई बिल्कुल कैसे ना कैसे करके मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ एंड गाइस इसकी खोपड़ी उड़ा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस बंदे को मैं पूरा क्लियर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मतलब जो फैक्ट्री के ऊपर बंदा है ना मेरा एक टीममेट भाई, उस बंदे को कोई बंदा नॉक कर देता है जब तक मैं लूट करता हूँ। भाई इस बंदे के पास इतनी लूट थी भाई क्या ही बोले, मतलब हर एक मतलब क्या ही बोले, मतलब तकड़े वाली ग्लू वॉल्स की वो थी इसके पास, मतलब कम से कम 12-13 ग्लू वॉल होंगी इसके पास। तो गाइस यहाँ पे वो उस बंदे को भी क्लियर कर देता है जो मेरा टीममेट होता है सामने वाले बंदे। तो गाइस यहाँ पे मैं फैक्ट्री के अंदर एंटर करने वाला था, क्योंकि गाइस अभी फाइट वाला सीन बहुत गंदे वाला होने वाला था, फाइट ओपी वाले होने वाली थी। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि भाई अंदर फैक्ट्री के जाते हैं ना मैं मतलब धमाल मचा दूंगा, क्योंकि गाइस मेरे को किल्स भी निकालने हैं और किल्स के साथ मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि गाइस मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मोंटेज एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई बंदा तो होना चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि भाई पोचिनोक की तरफ से ना कोई तो बंदा जरूर आया होगा। तो गाइस इधर से मैं ना देखता हूँ भाई एक बंदा ना वॉल के पीछे खड़ा हुआ है, तो गाइस उसको मैं दे देता हूँ ओपी वाला हेडशॉट एंड उसको कर देता हूँ मैं वहीं पे डाउन। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता हूँ ताकि उसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि मेरा किल चोरी ना हो। तो गाइस उस बंदे को मैं फाइनली क्लियर कर देता हूँ एंड गाइस मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और गाइस मैं क्या देखता हूँ, मतलब मेरे टीममेट ना अंदर लड़ाई कर रहे थे, मतलब एक लड़की को मार रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो गाइस मैं जाके देखता हूँ कि भाई क्या हुआ। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो गाइस यहाँ पे ना एक लड़की को ये डाउन करके रखते हैं एंड गाइस मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देके आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो गाइस अभी मेरा मेन मोटिव था भाई किल्स निकालना, क्योंकि किसी भी कीमत पर मेरे को अच्छे किल्स निकालने थे ताकि आप लोगों को भी मजा आए। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही देखता हूँ गाइस मेरे को लगता कि भाई इधर पे कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बंदा देखने को नहीं मिलता और मेरे को भी नहीं देखने को मिलता। तो गाइस यहाँ पे ना सामने वाले बंदे के पास थी M82B। तो गाइस यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा वॉल लगा के अपने आप को मतलब पैक कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से हील कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी हील इसलिए करता हूँ क्योंकि गाइस उसके पास थी M82 एंड गाइस मैं यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो गाइस ये लड़का ना इधर की तरफ आ जाता है एंड गाइस यहाँ पे मेरा वॉल भी नहीं लगता। तो गाइस यहाँ पे मैं बाल बाल बच जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पे मेरे बंदा ना जो मेरा टीममेट है वो किल चोरी कर लेता है मेरा, जो कि मैं इसको मारने वाला था अभी। तो गाइस यहाँ पे मेरे को बिल्कुल दिल से बुरा लगता है कि भाई मेरा किल चोरी हो गया। तो गाइस फिर मैं सोचता हूँ कि चलो यार और बंदों को मारेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई चलो चलो बंदों को ढूंढते हैं। एंड गाइस यहाँ पे अभी मेरे से अलावा दो बंदे बचे हुए थे एंड गाइस मेरे को इमोट भी दिखाना था भाई, कैसे भी करके इमोट दिखाना था क्योंकि उन्होंने मेरे को इमोट दिखाया था। तो गाइस यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं एक बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई इसको मेरे को मारना है। तो गाइस यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो गाइस उस बंदे के पास थी M82B। तो गाइस ये बंदा ना मतलब बिल्कुल सही वाला खेल रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैं उस बंदे को देता हूँ बिल्कुल ओपी वाला डैमेज एंड गाइस यहाँ पे मैं एक के से इसको देता हूँ हेडशॉट एंड इसको कर देता हूँ मैं खत्म। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरे 8 किल हो जाते हैं एंड गाइस अभी मैं ढूंढ रहा था उस बंदे को कि भाई उस बंदे को अभी इमोट दिखाने। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ भाई, जो बंदा था ना वो बंदा ना मतलब मेरे को कैसे भी करके मारना था और इमोट दिखाने थे। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूँ एंड गाइस यहाँ पे ना मैं UFO को छोड़ देता हूँ ताकि उस बंदे की मैं लोकेशन का पता निकाल सकूँ। तो गाइस वो बंदा ना मेरे को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस मैं समझ आता हूँ कि भाई वो फैक्ट्री के अंदर है, 100% फैक्ट्री के अंदर है। तो गाइस उसकी ना लोकेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी ड्रोन के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैं घूम के इतनी फैक्ट्री के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ ताकि भाई फैक्ट्री के अंदर जाके उस बंदे को क्लियर कर दूँ। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ तो गाइस वो बंदा यहाँ से निकलता है एंड गाइस उसको मैं डैमेज देता हूँ। तो गाइस वो समझ चुका था कि अब तो मरना है। तो गाइस वो ना मतलब बिल्कुल सिंपल ही खड़ा हो जाता है। तो गाइस अभी आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें मैंने बदला लिया था। तो गाइस यहाँ पे ये वाला वो मैच है। तो गाइस इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे ना मैं आता हूँ तो गाइस यहाँ पे क्या देखता हूँ, LCM में मेरे पीछे ना पूरा स्कोर पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे निकलता हूँ तो गाइस यहाँ पे ना मैं एक बंदे को मतलब बिल्कुल इसका
कार 98 का डैमेज देता हूँ। तो गाइस ये वही लड़की है जो कि मतलब ग्रैंड मास्टर पे थी एंड गाइस मेरे को इमोट दिखा रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको डैमेज देता हूँ। तो गाइस यहाँ बंदा ना मतलब बिल्कुल ओपी वाली मूवमेंट दिखा रहा था कि ये क्रिमिनल। तो गाइस इस बंदे को मैं कर देता हूँ डाउन। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरे को अभी टेंशन थी कि भाई इसके बंदे पूरे स्क्वाड को मारना है। तो गाइस यहाँ पे भाई सोलो स्क्वाड वाली सिचुएशन थी एंड गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत गंदे वाला डैमेज पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं इस लड़की को फिर से डाउन कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ पे भाई बाल बाल बच जाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं इसके दो बंदों को डाउन कर चुका था लेकिन गाइस ये ना क्या करते हैं दूसरे क्रिमिनल को ये रिवाइव दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं इसको डैमेज देता हूँ एंड गाइस उसको फिर से मैं नॉक कर देता हूँ। तो गाइस पहले तो मैंने उस लड़की को डाउन किया हुआ है और गाइस यहाँ पे एक क्रिमिनल को डाउन किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं निकल के जाता हूँ एंड इसको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस ये जैसे क्लियर होता है देखो भाई अभी मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, जैसे मैं इधर की तरफ से निकलता हूँ तो गाइस यहाँ पे ना मैं एक नेट डाल के फेंक जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है एक बंदा पीछे से आता है एंड गाइस वो बंदा ना नेट के ऊपर चढ़ जाता है एंड गाइस वो बंदा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आई थिंक ये वही बंदा था जिसको मैंने डाउन किया था। तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ बैठता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्रिमिनल क्या करता है भाई ऊपर की तरफ आ जाता है एंड गाइस यहाँ पे मेरे पास होती है कार 98। तो गाइस कार 98 का एक ही शॉट देता हूँ वो बंदा ना डाउन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से नीचे की तरफ जाता हूँ एंड गाइस अभी मेरे को उसको दिखाने थे इमोट क्योंकि गाइस इन्होंने मेरे को इमोट दिखाया था। तो गाइस यहाँ पे मैं इमोट जैसे ही दिखाने लगता हूँ तो गाइस जो दूसरा बंदा है ना तो गाइस वो भी आ जाता है एंड गाइस यहाँ पे भाई मैं उसको डैमेज देता हूँ सीजन 2 वाले को। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ओपी वाला उसको डैमेज पड़ता है एंड यहाँ पे एक और शॉट पड़ता है तो गाइस ये डाउन हो जाता है। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा बदला पूरा हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं भी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।